गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखा है जिस एक्सपेरिमेंट में आप ग्रेविटी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये टेप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और गाइस, क्या होगा जब एक गन से निकली हुई गोली कुल्हाड़ी की धार से टकराएगी? क्या ये गोली बीच में से कट जाएगी या फिर ये कुल्हाड़ी के अंदर छेद कर देगी? और गाइस, तब क्या होगा जब एक ब्रांड न्यू आईफोन को दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के अंदर डाल दिया जाएगा? क्या ये आईफोन एसी स्पून की तरह गल जाएगा? चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो कभी नहीं सुना होगा, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। इसमें नंबर 10 पर है लिक्विड नाइट्रोजन वर्सेस वाटर हीटर। गाइस, हम सभी लोग जानते ही हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होता है। अगर लिक्विड नाइट्रोजन को किसी भी चीज के ऊपर डाल दिया जाता है तो वो चीज फ्रीज हो जाती है। तो तब क्या होगा जब इसी लिक्विड नाइट्रोजन को वाटर हीटर के साथ गर्म किया जाएगा? क्या ये लिक्विड नाइट्रोजन वाटर हीटर की वजह से गर्म हो जाएगी या फिर ये वाटर हीटर ही खराब हो जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में लिक्विड नाइट्रोजन को कर लिया गया, और फिर उसके बाद जब इसी लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर वाटर हीटर को डाला गया तो ये लिक्विड नाइट्रोजन तेजी से उबलने लगती है, और इसे देखने पर लगता है कि जैसे लिक्विड नाइट्रोजन भाप बनकर हवा में उड़ जाएगी। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में तो हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं कि ये कितनी ज्यादा हीट होती है। ये लिक्विड नाइट्रोजन भी इतनी जल्दी बॉयल होने वाली नहीं है। कुछ देर तक तो जब ये हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर पड़ा रहता है तब तो हीटर को कुछ भी नहीं होता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब ये हीटर बहुत ज्यादा हीट हो जाता है और इसी के साथ ही साथ लिक्विड नाइट्रोजन भी हीटर के ऊपर अपना असर दिखाती है, तो थोड़ी ही देर के बाद ये वाटर हीटर ही अपनी गर्मी की वजह से ही मेल्ट होने लगता है। और इसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई वाटर हीटर की रॉड नहीं बल्कि कुछ और ही है, क्योंकि ये वाटर हीटर की रॉड हीट ही कुछ इस कदर हो चुकी थी। इस रॉड के टूटने के बाद तो लिक्विड नाइट्रोजन अपना असर हीटर के ऊपर दिखाना शुरू कर देती है, और जितना ये हीटर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर डूबा हुआ था उतने हिस्से को ये लिक्विड नाइट्रोजन अच्छे से फ्रीज कर देती है। तो गाइस, ये एक्सपेरिमेंट देखने में आपको कैसा लगा? इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 पर है हाइड्रोलिक प्रेस वर्सेस 1000 प्लेइंग कार्ड। गाइस, हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे जो भी चीज रखी जाती है यह हाइड्रोलिक प्रेस उसका चूरन बना देती है। लेकिन तब क्या होगा जब इसी हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे 1000 प्लेइंग कार्ड को रखा जाएगा? तो गाइस, इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है मैकेनिकल प्रिंसिपल यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे एक एक करके 1000 प्लेइंग कार्ड्स को रखा, और फिर पहली बार जब हाइड्रोलिक प्रेस से इन प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर प्रेशर डाला गया तो ये प्लेइंग कार्ड्स हाइड्रोलिक प्रेस के वजन से दबने लगते हैं। लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि ये सारे के सारे प्लेइंग कार्ड्स बिखर जाते हैं। उसके बाद इन सभी कार्ड्स को इकट्ठा कर एक बार फिर से हाइड्रोलिक प्रेस के ऊपर रखा गया, और फिर दोबारा से हाइड्रोलिक प्रेस से जब इनके ऊपर प्रेशर डाला गया तो फिर ये कार्ड्स हाइड्रोलिक प्रेस का प्रेशर नहीं झेल पाते हैं और फिर बीच में से फटना शुरू हो जाते हैं, और ये सारे के सारे ताश के पत्ते फट के अलग अलग हो जाते हैं। नंबर 8 पर है केटल वॉल वर्सेस नोकिया 3310। गाइस, नोकिया के फोन के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि नोकिया का फोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, और कहने के लिए तो इस फोन से ईंटें भी तोड़ी जा सकती थी। तो फिर तो आप इस बात का तो अंदाजा खुद लगा ही सकते हैं कि ये फोन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता होगा। लेकिन तब क्या होगा जब इसी फोन के ऊपर 24 किलो वजनी केटल वॉल को डाला जाएगा? क्या ये फोन पूरी तरह से फूट जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे किया है टाइम ऑन शो यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले नोकिया के फोन को एक लकड़ी के ऊपर सेट करके रख दिया, जिसके बाद इस फोन के ऊपर इस 24 किलो वजनी केटल वॉल को डाला गया। ये केटल वॉल के फोन के ऊपर गिरते ही फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन ये नोकिया का फोन कितना ज्यादा ढीट होता है ये तो हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं। जैसे ही इस फोन को फिर से असेंबल करके इसे ऑन करके देखा गया, ये फोन वापस से ऑन हो जाता है, और ये फोन पूरी तरह से वर्क भी कर रहा होता है। फिर दूसरी बार में इस फोन को लकड़ी के ऊपर खड़ा करने की बजाय फोन को लैंडस्केप में रख दिया जाता है, जिससे कि ये केटल वॉल फोन पर अच्छे से लग सके। और फिर जब एक बार फिर से इसी फोन के ऊपर केटल बॉल को ड्रॉप किया जाता है, फिर दूसरी बार में तो ये केटल बॉल फोन के ऊपर इस तरह से गिरती है कि ये फोन पूरी तरह से खराब हो जाता है, और इस फोन के सारे छोटे छोटे पार्ट्स आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से बिखरे पड़े हैं। नंबर 7 पर है स्ट्रेंज ग्रेविटी। गाइस, क्या आपको पता है कि आप ग्रेविटी के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हो? जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये बोतल का कैप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जबकि ग्रेविटी में ये सारी चीजें उल्टी होती है, कोई भी चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो रहा है। वीडियो में पीछे एक शख्स खड़ा हुआ है जिसने रूबिक क्यूब के ऊपर एक लकड़ी का पट्टा रखा हुआ है, जो कि आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें रोल होकर नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, बल्कि इन्हें ग्रेविटी में तो ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में ये एक्सपेरिमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जिस टेबल पर ये सारी चीजें रखी हुई है वो कुछ इस तरह की है। ये टेबल एक साइड से झुकी हुई है, इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो पा रहा है। अगर ये टेबल झुकी हुई नहीं होती तो शायद ये एक्सपेरिमेंट कभी नहीं हो पाएगा।
नंबर 6 पर है आईफोन वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट। गाइस दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसेट पाए जाते हैं जिनके अंदर अगर आप कोई भी चीज डाल देते हैं तो वो चीज इस तरह से एसेट के अंदर घुलती चली जाती है जैसे कि वो चीज हो ही ना। ऐसे ही गाइस क्या होगा जब एक ब्रांड न्यू आईफोन के ऊपर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट को डाला जाएगा, क्या ये आईफोन भी पूरी तरह से गल जाएगा? चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे ट्राई किया है टेक्रेक्स यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले एक ब्रांड न्यू आईफोन लिया और उसके ऊपर इस एसिड को डाल दिया और फिर कुछ ही देर के बाद जब ये एसिड मेल्ट हुआ और इसने आईफोन के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट किया तो आप देख सकते हैं कि आईफोन का बैक पैनल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और फिर जब इसी आईफोन को दूसरे लिक्विड एसिड के अंदर डाला जाता है तो उसमें गिराने के 5 मिनट बाद ही इस आईफोन के अंदर से धुआं निकलने लगता है और फिर कुछ समय के बाद एसिड से जब इस आईफोन को बाहर निकाला जाता है, इसके बाद जब इसे चार्जिंग पर लगा के देखा जाता है तो ये फोन तब भी चार्ज हो रहा होता है और ये आईफोन पूरी तरह से अच्छे से वर्क भी कर रहा होता है। नंबर 5 पर है बुलेट फायर ऑन एक्स। गाइस क्या होगा जब एक गन से निकली हुई गोली कुल्हाड़ी की धार से टकराएगी, या ये गोली कुल्हाड़ी के अंदर छेद कर देगी या फिर इसके 2 टुकड़े हो जाएंगे? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे किया है द स्लोमो गाइस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले गन को एक जगह पर अच्छे से सेट करके रखा जिससे कि गन स्टेबल रहे और उसी के बिल्कुल सामने एक कुल्हाड़ी को स्टेबल करके रख दिया जिससे कि कुल्हाड़ी में बुलेट लगने के बाद ये भी स्टेबल रहे। उसके बाद पहली बार में जब कुल्हाड़ी के ऊपर गन से फायर किया गया तो जैसे ही गन से निकली हुई बुलेट कुल्हाड़ी से टकराती है, कुल्हाड़ी से टकराते ही बुलेट के 2 हिस्से हो जाते हैं, मतलब कि कुल्हाड़ी से टकराने के बाद ये बुलेट बीच में से कट जाती है। ऐसे ही गाइस जब नेक्स्ट टाइम कुल्हाड़ी के ब्लेड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब कि कुल्हाड़ी के ब्लेड के बीच में एक और ब्लेड को ऐड कर दिया गया और गन पॉइंट कुल्हाड़ी के बीचों बीच में कर दिया गया और फिर गन से जब इस कुल्हाड़ी के ऊपर फायर किया गया तो फिर ये बुलेट कुल्हाड़ी से टकराने के बाद 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वैसे गाइस आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4 पर है ड्रॉपिंग गैस सिलेंडर 120 फीट हाइट। गैस गैस सिलेंडर एक ऐसी चीज होती है जिससे हमेशा ही हमें डर लगता है। गैस सिलेंडर में आग लगने से भी हमें डर लगता है और कहीं ये फट ना जाए इस बात से भी हमें बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन एक सिलेंडर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, चलिए आज के इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखाता हूँ। इस एक्सपेरिमेंट को किया है एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल ने, जो सबसे पहले एक सिलेंडर को उठाकर 120 फीट तक की हाइट पर ले गए और फिर वहां से जब इन्होंने इस सिलेंडर को जमीन पर फेंका तो ये सिलेंडर जमीन पर गिरने के बाद सिलेंडर के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, ना तो ये सिलेंडर फटता है और न ही इसमें आग लगती है। लेकिन जब इस सिलेंडर को आप गौर से देखेंगे तो ये सिलेंडर बस पिचक गया है और हम लोगों के अंदर जो डर रहता है कि वह सिलेंडर ऊंचाई से गिरने के बाद फट जाता है या फिर इसमें आग लग जाती है, तो गाइज ऐसा हर बार नहीं होता है। नंबर 3 पर है जाइंट आइस ब्लॉक वर्सेस ट्रैम्पलिन। गाइज क्या होगा जब एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को ट्रैम्पलिन के ऊपर डाला जाएगा? और गाइज ट्रैम्पलिन के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, ये वही ट्रैम्पलिन है जिसपे बच्चे कूदना पसंद करते हैं। अगर इसी के ऊपर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को डाला जाएगा तो ये बर्फ का टुकड़ा कितनी ऊंचाई तक वापस जाएगा? तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जिसे ट्राई किया है हाउ रिडिकुलस यूट्यूब चैनल ने, जिन्होंने सबसे पहले जमीन पर एक बड़े से ट्रैम्पलिन को रखा और फिर उसके बाद 45 मीटर की ऊंचाई पर जाकर एक बड़े से बर्फ के टुकड़े को जब इसके ऊपर डाला गया तो ये बर्फ का टुकड़ा जब इस ट्रैम्पलिन के ऊपर गिरता है तो वो इससे बाउंस होकर बहुत ऊंचाई तक चला जाता है। ये फर्स्ट बार ट्राई करने में तो इतना ऊंचा गया, लेकिन जब इसे सेकंड बार ट्राई किया जाता है तो सेकंड बार में ये बर्फ का टुकड़ा ट्रैम्पलिन के ऊपर गिरने के बाद बहुत ज्यादा ऊंचाई तक चला जाता है। नंबर 2 पर है माचिस चेन रिएक्शन। गाइस क्या होगा जब एक लाइन में छोटी तीली से लेकर बड़ी से बड़ी तीली तक लगाकर रख दी जाएंगी और फिर जब उसमें आग लगाई जाएगी तो ये क्या सारी तीलियां जल जाएंगी या सिर्फ एक ही तीली जलेगी? तो गाइस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पहले लकड़ी के छोटे छोटे और बड़े से बड़े टुकड़ों को लिया गया जिससे कि छोटी से बड़ी माचिस की तीलियों को बनाया जा सके। और माचिस की तीलियां बनाने के लिए लकड़ी के ऊपर इस रस्सी को लपेट दिया गया और फिर उसके ऊपर इस रेड कलर की बारूद को लगा दिया गया और फिर इन सारी की सारी तीलियों को एक लाइन से जमीन में गाड़ कर इसके सबसे छोटे तीली में आग लगा दी गई और फिर ये आग धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक के बाद एक तीली में लगती चली गई और फिर धीरे धीरे करके फाइनली जाकर ये आग इन तीलियों की सबसे बड़ी तीली में लग जाती है, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही पा रहे हैं। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है सेंटर फ्रेस वर्सेस ऑयल। गाइस क्या आपने कभी सेंटर फ्रेस को ऑयल में डालकर उसे उबलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं जिसे ट्राई किया है हमारे इंडियन यूट्यूबर एएसके एक्सपेरिमेंट्स ने, जिन्होंने सबसे पहले एक कढ़ाई में वेजिटेबल ऑयल को लिया जिस ऑयल को हम नॉर्मली अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद इस ऑयल के अंदर बहुत सारे सेंटर फ्रेस को डाल दिया और फिर कुछ ही देर के बाद जब ये ऑयल गर्म होता है तो ये सेंटर फ्रेस इस ऑयल में घुल जाती है और ये ऑयल कुछ इस तरह से देखने लगता है। इसके बाद इस ऑयल को ठंडा करने के बाद जब ऑयल को कढ़ाई से अलग कर लिया जाता है तो इस कढ़ाई में नीचे की तरफ सेंटर फ्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देने लगती है, जो कि पूरी तरह से नीचे कढ़ाई से
नीचे चिपक जाती है। वैसे गाइस आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट में से सबसे बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा लगा, और क्या आपने कभी इस स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट को अपने घर पर ट्राई किया है? अगर किया है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय।